हेलो जी, हाँ क्या? क्या रैंचो? क्या बोल रहे? बोला अगर रैंचो से मिले तो ठीक 8 बजे कैंपस की टंकी पे आ जा। शख्स 8 बजे? अरे तू जल्दी बाहर आ यार। हाँ मैडम। क्या? अरे यार दोस्त मिल गया अपना। ठीक है यार मैं आके बात करता हूँ। अरे अपनी पैंट तो लेते जा। Welcome, idiots. मदिरा पियोगे? ये वो ही रम है ना जो तुम लोग यहाँ बैठ के पिया करते थे। ड्रिंक। अरे यार चतुर रेंचो कहाँ है? मैं बताता हूँ, पहले ये देखो मेरी वाइफ को नहीं उसके पीछे बंगले को देखो। इडियट्स 3.5 मिलियन। स्विमिंग पूल, सेट्स, लिविंग रूम मेपल वुड फ्लोरिंग, माय न्यू लंबोर्गिनी 6496 cc, वेरी फास्ट। अबे साले सब हमें क्यों दिखा रहे हैं? भूल गए? ये क्या है? 5 सितंबर आज का डेट यार, और क्या? कहाँ जा रहे के बाद इसी स्टेशन पे आ मिलेंगे, देखेंगे कौन ज्यादा सक्सेसफुल बना, तू या मैं। हे मत बोल, हे मत आएगा यहाँ आया। यहीं पे उस इडियट से शर्ट लगाई थी। आई केप्ट माय प्रॉमिस, आई एम बैक। साले मैं गाड़ी चुरा के आया हूँ, ये अपनी बैग चोड़ के आया है सिर्फ रांचियो से मिलने के लिए। 5 साल से हम उसे ढूंढ रहे हैं, जिंदा या मर गया पता नहीं, और तुझे लगता है तेरी फुट्टू सी शर्त के लिए वो आएगा? नहीं आएगा,
मुझे मालूम था वो नहीं आएगा। तू इसी दांत तोड़ता है। फ्रॉन्ट एक मिनट मिनट। तो साले तूने हमें यहाँ क्यों बुलाया? रांचो से मिलने। चल के देखो वो कहाँ रह गए और मैं कहाँ पहुँच गया। मतलब तुझे मालूम है कि वो कहाँ है? यस। कहाँ है वो? He's in Darjeeling. बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। कहाँ से आया था वो, छूके हमारे दिल को। रंचू, रंचूर दास, श्यामल दास, छाछड़, जितना अलग साले का नाम था उतनी अलग सोच। मैं फरहान, मैंने तो बचपन से यही सुना था कि लाइफ एक रेस है, तेज नहीं भागोगे तो लोग कुचल के आगे निकल जाएंगे। साला पैदा होने के लिए भी 300 मिलियन स्पर्म से रेस लगानी पड़ी थी। मेरा जन्म 5:15 पर हुआ और 5:16 पर अब्बा ने कहा बेटा इंजीनियर बनेगा। फरहान कुरैशी, बीटेक इंजीनियर। मुझे क्या बनना था साला, किसी ने पूछा ही नहीं। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए। रूम नंबर बोलो, बोलो। D26। चलो मैं मनमोहन MM, ये सब इंजीनियर मुझे मिलीमीटर बुलाते हैं। दूध अंडा ब्रेड कपड़े दो ना, इसी को ना, कोई भी काम हो बोलो, फिक्स रेट है, नो बार्गेन। ए रुक 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 रुक, ये किलो बाइट है, ये मेगा बाइट है, वो ना, हाँ वो गीगा बाइट है। ले लो इनकी फोटो भी ले लो। इज्जत जमीन पर बिखरी हुई थी, हाथ सलामी ठोक रहे थे,
सर गुलामी में झुके हुए थे जब हमने पहली बार रांचो को देखा। नमस्ते सर, पैट बताइए और चप्पल लगाइए। जोरदार शामलदास छाछड़। याद कर लो भाइयों, फाइनल ईयर पे बैठ लो। उतारिए, उतारो पैंट, उतारो पैंट, उतारो ले। गिली पैंट नहीं पहनते बच्चों। क्या 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 बका? कोई समझा इसे? ओपन योर पैंट्स और पिस्सा न्यू। अरे अंग्रेज, हिंदी में समझाना, शर्म आती है बोलने में। सॉरी सर, आई वॉज बोर्न इन उगांडा, स्टडीड इन पॉन्डिचेरी, सो स्लोली स्लोली इन इंग्लिश। तो स्लोली समझाना, जल्दी किसको है? वस्त्र उतारिए नहीं तो यहाँ पे मूत्र विसर्जन कर देंगे। दस्तक गिनूंगा, बाहर नहीं आया तो पूरे सेमेस्टर पे तुम्हारे दरवाजे में मूत्र विसर्जन कर दूंगा। Salt water is a great conductor of electricity. ये standard physics. हमने पढ़ा था। साले ने apply कर दिया। ICE के director का नाम Dr. वीरू सहस्र बुद्धे था। पर सब उन्हें virus, computer virus बुलाते थे। टाइम बचाने के लिए शर्ट पे बटन नहीं वेलक्रो लगाते थे और टाई में हुक। माइंड को ऐसा ट्रेन किया था कि दोनों हाथों से एक साथ लिख सकते थे। रोज 2 बजे एग्जैक्टली 7:30 मिनट का पावर नैप लेते थे और ओपरा सुनते थे। गोविंद को इंस्ट्रक्शंस थे कि सारे अनप्रोडक्टिव काम जैसे नाखून काटना, शेविंग करना, इन्हीं 7:30 मिनट में किए जाए। वायरस वॉज द मोस्ट कम्पिटिटिव मैन वी हैड एवर सीन। कोई उनसे एक कदम भी आगे निकल जाए उन्हें बर्दाश्त नहीं होता था। हर साल वायरस एक घोसला लेकर कैंपस पर आता और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट से एक ही सवाल पूछता कि ये घोसला किस चिड़िया का है। अब नॉर्मली तो सब यही कहते थे कि ये कोयल बर्ड का घोसला है, पर वायरस हर साल उसे रॉन्ग बताते हुए कहता। कोयल अपना घोसला कभी नहीं बनाती, वो अपने अंडे दूसरों के घोसले में रखती है। जब उसके बच्चे दुनिया में आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? बच्चे दूसरे अंडे को धक्का मार के घोसले से गिरा देते हैं। Competition over, life begins with murder. Compete or die. You all are so like the coil bird. और ये वो अंडे हैं जिनको धक्का मार के तुम लोग ICE में पहुंचे। Don't forget कि हर साल ICE में
4 lakh applications आते हैं, उनमें सिर्फ 200 से यू और ये फिनिश जो कि एक मेरे खुद के बेटे ने 3 साल अप्लाई किया था, रिजेक्टेड एवरी टाइम. रिमेंबर लाइफ इज अ रेस, अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाएगा. Now let me tell you a very interesting story. ये एस्ट्रोनॉट्स पेन है, स्पेस में फाउंटेन पेन बॉल से कुछ नहीं चलता, तो लाखों डॉलर खर्च करने के बाद साइंटिस्ट ने ये पेन डिजाइन किया जिससे हम कोई भी एंगल कोई भी टेम्परेचर जीरो ग्रेविटी में लिख सकते. वन डे व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट द डायरेक्टर ऑफ आवर इंस्टीट्यूट कॉल्ड मी द वीरू साष्टम. यस सर, डर गया. ही शोड मी दिस पेन, सेड दिस पेन इज सिंबल ऑफ एक्सेलेंस व्हिच आई गिव टू यू. जिस दिन तुम्हें तुम्हारे ऐसा कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टूडेंट मिले उसे ये पेन पार्सल कर. But the Savi Swastabuddha is waiting for the next Savi Swastabuddha. क्या इस बैच में कोई है जो पहले जा सकेगा? हर साल की तरह इस साल भी सब स्टूडेंट्स ने अपने हाथ खड़े कर दिए. Good, put your hands up. वायरस के कहने पर सारे स्टूडेंट्स अपना हाथ तो नीचे कर देते थे, पर इस साल कुछ अलग हुआ. इस साल सबके हाथ नीचे करने के बाद रैंचो ने अपना हाथ ऊपर किया और वायरस से एक सवाल पूछा. सर, मेरा एक सवाल था सर, स्पेस में फाउंटेन पेन बॉल पेन चलता नहीं है, तो एस्ट्रोनॉट्स ने पेंसिल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया सर? नहीं मतलब लाखों डॉलर बच जाते सर. गेट बैक टू यू ऑन दिस. साला रात को सीनियर्स के नूनू को झटका देता है और दिन में डायरेक्टर्स को उंगली करता है. मैं कह रहा हूँ इसी साथ रहेंगे तो ये मरवाएगा. जाने के लिए फीस थोड़ी लगती है, यूनिफॉर्म लगता है यूनिफॉर्म. अब तू एक काम कर, ये पैसे रख, जो स्कूल पसंद है उसको यूनिफॉर्म खरीद ले और चुपचाप जाके क्लास में बैठ जा. इतनी आवारी है कि इसको क्या पता चलने वाली है. और अगर पकड़े गए तो? पकड़े गए तो स्कूल चेंज, यूनिफॉर्म चेंज. कुछ बात थी उसमें. सारा दुनिया के तौर तरीके को कदम कदम पर चैलेंज करता था. वायरस के घोंसले में एक आजाद पंछी घुसाया था. हम सब तो प्रोफेसर के रिमोट कंट्रोल पे चलने वाले रोबोट थे. एक बस वही था जो शायद मशीन नहीं था. ज़्यादा मज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, बोलो मशीन का डेफिनेशन. सर, मशीन इज सर एनीथिंग सर दैट रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट्स. विल यू प्लीज इलैबोरेट? सर, हर वो चीज़ जो इंसान का काम आसान करे या वक्त बचाए वो मशीन है सर. गर्मी लग रही है, बटन दबाओ, हवा चलो, फैन, मशीन है सर. करोड़ों का कैलकुलेशन चुटकियों में, कैलकुलेटर, मशीन है सर. दूर बैठे हम अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, टेलीफोन, मशीन है सर. सर, हम एक्चुअली ना मशीनों से घिरे हैं सर. पेन की निब से लेकर हैंड की सिप तक सब मशीन है सर. एक सेकंड अप, एक सेकंड डाउन. अरे डेफिनेशन क्या है? वही तो बताया सर. एग्जाम में क्या लिखोगे? अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, यू इडियट. एनीवन एल्स? यस. Machines and combinations of bodies so connected that their emotions are constrained and liability is forced and motion can be transmitted or modified as a screw or a nut, a lever arranged and a fulcrum or pulley, etc. Especially combinations are more or less complex and consisting of moving parts or several mechanical elements that release stress can be extra. Yeah, father. That's it. Sit down. Thank you, sir. This is called machine. Thank you, sir. Maybe the way, sir, na?
आसान भाषा बताओ तो आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में ज्वाइन करो, यहाँ क्यों आए हो? लेकिन सर मतलब ही तो समझ में आना चाहिए ना सर, ऐसे किताबी डेफिनेशन करके सर क्या फायदा? अरे यार ये सब किताब में लिखा हुआ है, क्वेश्चन आंसर सब कुछ तुमको इसी से लिखना है, अगर तुमको पास करना है तो इसी भाषा को लिखना है, समझ में आया? सर लेकिन सर और भी तो किताबें हैं ना सर जिसमें डेफिनेशन लिखे हुए रहते हैं किताबों के। गेट आउट Okay boys, so what is machine? क्या हुआ? क्या ठीक से बताओ क्या हुआ? Instrument that analyze, organize, summarize, evidence, explain, information that illustrative, non-illustrative, hardcore paperwork, jargon, non-jargon, forward introduction, table of contents, titles in the enhancement, education of human being, sensitive motivation. क्या कहना चाहते हो? बुक्स आसान भाषा में नहीं बोल सकते सर, थोड़ी देर पहले मैंने आसान भाषा कोशिश की थी लेकिन आपको वैसी भाषा समझ में नहीं आती। रांचो को प्रोफेसर्स क्लास में कम बाहर ज्यादा रखते थे, वो एक क्लास से निकाला जाता तो दूसरे में जाके बैठ जाता, कहता था चारों तरफ ज्ञान बढ़ रहा है, जहां से मिले लपेट लो। वो हम सब लोग से अलग था, हम रोज बाथरूम के लिए लड़ते थे, उसे जहां पानी मिले वहीं नहा लेता था। मशीनों से उसे बड़ा लगाव था, जेब में स्क्रू ड्राइवर लेकर घूमता था, जो मशीन देखे उसे खोल देता था, कुछ बंद होती थी और कुछ नहीं। एक और था जो बिल्कुल उसके जैसा था, जॉय लोबो। आपसे बात करेंगे सर, इस साल आपका बेटा ग्रेजुएट नहीं हो सकता। He has crossed all the rates of submarine project. Listen to me, listen. He is making a nonsense helicopter. So, my sir, ye ki sala train ki aviation nahi. I'm sorry. So, I am this close, sir. Is the project ready? Submit kar do project ready. Sir, thoda extension de dijiye, sir. Why should I give you extension? Sir, that case stroke ke baad main 2 mahine concentrate nahi kar paya, sir. 2 mahine khana peena choda. Nahana choda. तो पढ़ाई क्यों छोड़ी? सर आई एम दिस क्लोज सर, एक दफा आप देख तो लीजिए सर। मिस्टर लोबो, संडे आफ्टरनून को मेरा बेटा ट्रेन से गिर के मर गया था एंड मंडे मॉर्निंग रिसर्च से बुद्धिस कॉलेज में लेक्चर दिया था, सो डोंट गिव मी नॉनसेंस। मैं आपको सिंपैथी दे सकता हूँ एक्सटेंशन में। सर प्लीज सर, डिजाइन बनाई है यार हेलीकॉप्टर के ऊपर वायरलेस कैमरा। ट्रैफिक अपडेट, सिक्योरिटी सबके काम आ सकती है यार। वायरलेस ने का बहुत ही इम्प्रैक्टिकल डिजाइन है, ये उड़ेगा ही नहीं। उड़ेगा क्यों नहीं, हम उड़ाएंगे। ए चोय को मत बोलना, उसकी खिड़कियां लेके जाएंगे,
उसका रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे और उसे सरप्राइज देंगे। सुन अगर उसका प्रोजेक्ट हम करेंगे तो हमारा कौन करेगा? टेस्ट वाइवा सब मिलाकर सेमेस्टर टोटल 42 एग्जाम्स। अरे तू डरता बहुत है यार, ये अपना हाथ दे अपने दिल पे रख और बोल ऑल इज वेल। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अब ये कुछ नए लाए हैं हमारे बाबा रणछोड़ दास? अरे हमारे गांव में ना एक चौकीदार हुआ करता था, रोज रात को पहरा देते हुए चिल्लाता ऑल इज वेल और हम लोग सब सुकून से सो जाते। एक बार गांव में चोरी हुई तो पता चला साले को रात को कुछ दिखाई नहीं देता, यूं ही चिल्लाता ऑल इज वेल और हम लोग सब सुकून से सो भी जाते। उस रात एक बात पता चली, ये जो अपना दिल है ना बड़ा डरपोक है, इसको हमेशा बेवकूफ बना के रखो। लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है इसको बोलो कोई बात नहीं चाचू सब ठीक ठाक ऑल इज वेल। और उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना, उसे खेलने की मैं जरूर आ जाती। ये मंत्र याद कर लो, यहाँ बहुत जरूरत पड़ने वाली है। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल हो टोको करके गोल, हो टोको करके गोल, सीटी बजा के बोल। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल हो टोको करके गोल, हो टोको करके गोल, सीटी बजा के बोल। मुर्गी का जाने अंडे का क्या होगा, अरे लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा। कोई ना जाने अपना फ्यूचर क्या होगा, होट घुमाओ सीढ़ी बजा सीढ़ी बजा। जॉय की खिड़की पे ले चल, जॉय की खिड़की पे ले चल। को पता चली और ना जॉय के डैड को, सब सोच रहे हैं ये सुसाइड है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है मौत का कारण इंटेंस प्रेशर ऑन विंडपाइप रिजल्टिंग इन चोकिंग। वो बेवकूफ सोच रहे हैं कि इधर प्रेशर पड़ने के कारण वो मर गया, लेकिन पिछले 4 सालों से जो इधर प्रेशर पड़ रहा है उसका क्या सर, वो तो रिपोर्ट में है ही नहीं। ये इंजीनियर्स बड़े चालाक होते हैं सर, ऐसी कोई मशीन बनाई नहीं जिससे इधर का प्रेशर नाप सके। बनाते तो पता चल जाता सर, सुसाइड मर्डर। जॉय की सुसाइड की तुम मुझे दो से, एक स्टूडेंट प्रेशर नहीं ले पाता उसके लिए हम जिम्मेदार। ऐसे लाइफ में कई प्रेशर हैं, तुम हमेशा दूसरों पे इल्जाम दोगे। सर मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं एक्चुअली सिस्टम को दोष दे रहा हूँ सर। सर मेरे पास कुछ स्टेटिस्टिक्स है, सुसाइड्स में इंडिया नंबर 1 है, हर 1.5 घंटे में कोई ना कोई स्टूडेंट सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है। यहाँ पे लोग बीमारियों से कम और सुसाइड से ज्यादा मर रहे हैं, कुछ तो गलत हो रहा है ना सर। मैं दूसरे कॉजेस के बारे में नहीं जानता, बट दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉजेस इन द कंट्री। 32 साल से मैं इस कॉलेज को चला रहा हूँ और 28 पोजीशन से नंबर 1 पोजीशन पे लेके आया हूँ। व्हाट नंबर 1 सर, व्हाट नंबर 1? यहाँ पे कोई नए आइडियाज के बारे में बात ही नहीं करते हैं, इन्वेंशंस की बात ही नहीं करते हैं। बात करते हैं तो मार्क्स की या यूएसए में नौकरी की। सर यहाँ पे ज्ञान नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे
ये सिखाए जा रहे कि मार्क्स कैसे लाते हैं। अब तुम मुझे सिखाओगे कैसे पढ़ाते हैं? मिस्टर जी भी प्लीज सिट डाउन। आज हमारे बीच एक ऐसे इंडियन है जिनका मानना है कि हमारे हेली क्वालिफाइड टीचर से बेहतर पढ़ा सकते हैं, तो आज प्रोफेसर रणछोड़दास छाछड़ हमें इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे। आपके पास 30 सेकेंड है। बोर्ड पे लिखे शब्दों का मतलब समझो। आप चाहे तो अपने किताबों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखते हैं कौन फर्स्ट आता है और कौन लास्ट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप सर, टाइम अप। क्या किसी को जवाब नहीं मिला? अब अपनी लाइफ का एक मिनट, सिर्फ एक मिनट रिवाइंड करो और सोचो। जब मैंने सवाल पूछा था, किसी ने भी ये सोचा कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, मजा आएगा? एनीवन? सर नहीं, सब रेस में लग गए। ऐसे पढ़ के फर्स्ट आ भी गए तो क्या फायदा? आप लोग की नॉलेज बढ़ेगी नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर बढ़ेगा। और ये कॉलेज है, कोई प्रेशर कुकर नहीं। अरे चाबुक के डर से तो सर्कस का शेर भी कुर्सी पर बैठना सीख जाता है, लेकिन उसे हम वेल ट्रेन्ड कहते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं। हेलो, दिस इज नॉट अ फिलोसफी क्लास। उन दो वर्ड्स के मतलब बताओ मैं बस। सर ऐसे कोई वर्ड्स है ही नहीं, ये तो मेरे दोस्तों के नाम हैं, फरहान और राजू। नहीं सर, मैं आपको इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा रहा था, वो तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं आपको ये पढ़ा रहा था कि पढ़ाते कैसे। और सर मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन आप जरूर सीख जाओगे, क्योंकि मैं अपने कमजोर स्टूडेंट्स का हाथ कभी नहीं छोड़ता। साइलेंस, साइलेंस आई सेड। बड़े खेत के साथ मैं आपको सूचित करता हूँ कि आपका बेटा फरहान राजू गलत संगत में है। सही कदम नहीं उठाए गए तो उसका फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। वायरस के लेटर हमारे घर में एटम बॉम्ब की तरह गिरे। हिरोशिमा और नागासाकी में महत्तम छा गया और हमें दोनों घरों में जूते खाने इन्वाइट किया गया। आइए अंदर, आइए आइए आइए, वहाँ देखिए, एक ही एयर कंडीशनर अफोर्ड कर सकते थे हम, और वो हमने अपने नहीं फरहान के कमरे में लगाया ताकि वो सुकून से पढ़ सके। कार नहीं खरीदी हमने, आज तक स्कूटर पे चलाता हूँ। अपना फ्यूचर हमने फरहान के फ्यूचर के लिए कुर्बान कर दिया, समझे कि नहीं? फरहान तूने फोटोज लिए? चुकर चुकर। फोटोग्राफी का भूत सवार था जनाब के ऊपर, जानवरों की तस्वीरें लिए फिरते थे, कहते थे मुझे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है। बेटे सर तुम्हारे परसेंटेज कितनी थी बता?
91%। सुना आपने, 94% से सीधा 91%। मजाक लग रहा है? नहीं अंकल, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कितने कमाल के फोटोज खींचे उसने। सर आप उसे इंजीनियर क्यों बना रहे? आप उसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनाना चाहिए। देखिए, हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरे बेटे का फ्यूचर बर्बाद मत कीजिए। बच्चों खाना लग गया, आ जाओ। चलिए अच्छा, अगली बार आओगे तो खाना जरूर खा के जाना। अब्बा ने तो खाना दिया नहीं। अब हम अपना भूखा पेट भरने और दांत का कोटा पूरा करने राजू के घर पहुंचे। राजू का घर एक 1950s के ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की याद दिलाता। एक छोटा सा कमरा जिसमें एक पैरालाइज्ड बाप, एक खांसती हुई माँ और एक बिनबिहाई बहन, सोफे पे खिले हुए स्प्रिंग एंड छत से 24 आवर रनिंग वाटर सप्लाई। माँ स्कूल से रिटायर्ड थी और ज़्यादातर टायर्ड रहती थी। बाप किसी जमाने में पोस्ट मास्टर हुआ करते थे, लेकिन अब सैलरी पूरी और बॉडी आधी बंद हो गई। और बहन 28 की हो गई है, कम हो मांगती 800 मांगती दहेज में। तू पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो शादी कैसे होगी इसकी? भिंडी तो बेटा 12 रुपए किलो हो गई है और गोभी 10 की। लूट मची है सारे देश में, और उस पर तेरी ऐसी भी चिट्ठी आएगी तो बता हम खाएंगे क्या? नहीं नहीं बस सोरा नहीं। पनीर तो बेटा इतनी इतनी थैलियों में सुनार की दुकान में बिकेंगी। माँ अब बस भी करना। ठीक है बेटा, चुप हो जाती हूँ, ये अच्छा है। बच्चों के लिए कमाओ, नौकरानी की तरह काम करो, उसके बाद मौन व्रत रख लो। अरे घर की समस्या है, बेटे को नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी, उसके दोस्तों को? ए राजू रुकना यार। बड़ी दुविधा थी, दोस्त को संभालते या दोस्त की माँ की आंख के आंसू पहुंचते। फिर हमने सोचा हटाओ यार, मटर पनीर पर कॉन्सेंट्रेट करो। इनकी एक्जिमा की क्रीम भी 55 रुपए की हो गई है, और रोटी दो बेटा। नहीं 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 बस हो गया। भिंडी 12 रुपए की, गोभी 10 की। कम से कम खा तो ऑफर किया, तेरे बुक्कर बाप जैसा नहीं। हाँ तेरी माँ तो बड़ी मदर टेरेसा है, खुजली वाली रोटी खिला रही थी। ओए ओए वहाँ पे मत जा। ए ए क्या कर रहे हैं यार, छोड़ना यार लड़ाई फड़ाई, भूख लग रही यार, कहीं खाने चलते हैं। मनचंद है यार, पैसे कौन देगी मदर टेरेसा? ओए खाना खाने के लिए पैसे थोड़ी लगते हैं, यूनिफॉर्म लगते हैं यूनिफॉर्म। वो देख अरे सुन यार, 3 लाज और कर ले क्या? हाफ सोडा हाफ पानी, साले मड़वा हो गया तुम लोग। और सुन यार, स्टार्टर्स में क्या? अरे छोड़ना यार, जो भी 2-2 प्लेट ले। अरे अरे ये तो छोड़ के जा यार, ऐसे भी होता है। और सुन सुन सुन, म्यूजिक चेंज कर यार, कोई गजल लगा। Excuse me. Yes. Glass. Thank you. मैं एक ग्लास ले लूं। क्यों? आप ये ग्लास फेंक के मारेंगी ना तो मेरा सर फट जाएगा। पर मैं क्यों मारूंगी आपको? क्योंकि मैं आपको थोड़ी सी फ्री एडवाइस देने वाला हूँ। क्या? उस घर से ना आप कभी शादी मत कीजिएगा। वो इंसान नहीं है, प्राइस का ही प्राइस का है।
जिंदगी भर आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स के दाम बता के पका देगा। योर फ्यूचर विल बी रूइंड। आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। प्लीज डेमो दो। उसके जूते कितने के हैं मैं ये पता करूँ? मैं नहीं पूछूंगा, वो खुद बताएगा। एडवाइस है, लेना है तो लो, नहीं तो जाने दो। सर, वो आपकी गेस्ट है? वो तो मेरी स्टूडेंट्स है, वो यहाँ क्या कर रहे हैं? एक मिनट सर। अबे पूरी के लिए जगह नहीं है, साइड में एडजस्ट करने यार। मस्त है, मस्त है, छोले मस्त है ना। हे, हाय। आपने मेरी आंखें खोल दी, थैंक यू सो मच। ओह, ऐसी क्या बात है, ये तो हमारा फर्स्ट था। कैन आई आस्क यू फॉर अ लिटिल मोर हेल्प? या श्योर। मेरे डैड सुहास के साथ ये एंगेजमेंट तोड़ने नहीं देंगे। आप इतना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, अगर आप उनको भी एक डेमो दे दे तो। श्योर श्योर। अरे राजू सुन यार, वो चटनी दे। यू आर रियली स्वीट। कहाँ है डैडी आपके? बिल्कुल आपके पीछे। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? भाग लो, फ्री एडवाइजर, लेना है तो लो वरना जाने दो। सर मैं लिफाफा दे क्या था? मुझे दो, मेरी बहन की शादी है। बहन? सर आपकी टोटल में कितनी बेटियां हैं? खाली है। डाली डाली नहीं तूने राजू? हमने तो आपको नहीं बुलाया, शायद आप लड़के वालों की तरफ से होंगे। नहीं सर, सरम साइंस की तरफ से। कैन यू एक्सप्लेन? डैडी एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हैं, अभी आपको डेमो देंगे दो ना। सर दिल्ली में आईवी शादी में आईवी लड़कियों के साथ सर हादसे बहुत होते सर, तो सर मैंने सोचा कि एक ऐसा डिवाइस बनाओ सर जो मैकेनिकल एनर्जी पे कॉन्सेंट्रेटेड कैथोड रेस निकाले सर, और सामने वाला बेहोश हो जाए सर। सर इसके दो फायदे सर, सर एक तो लड़की भी बच जाएगी, और सर एज वी ऑल नो इट्स वेरी चीप, हर लड़की खरीद पाएगी सर। वाओ, तो बना लिया आपने डिवाइस? डिजाइन रेडी है सर, डिजाइन रेडी है। फरान डिजाइन? अब मैंने राजू को दिया था, राजू को। ओ हाँ, राजू डिजाइन। सर डिजाइन छोड़िए ना सर, मैं आपको डायरेक्टली डिवाइस बना के दिखाऊंगा सर। तुम सिर्फ बेवकूफ बना सकते हो, डिवाइस नहीं सर। सर हम जरूर डिवाइस बना के दिखाएंगे सर, और सर उसको आपका नाम भी देंगे सर, क्योंकि सर इनफैक्ट आपकी बेटी की शादी में इन्वेंट हुआ है। फरहान, राजू, आप लोगों से मैं कल ऑफिस में मिलना चाहूंगा। सर आपका पर प्लेट कॉस्ट कितना है सर? हम भर देंगे सर इंस्टॉलमेंट्स में। सर मैं तो किसी शादी में भी नहीं जाऊंगा सर आज से। सर मैं तो अपनी शादी में जाऊंगा सर। सर इनफैक्ट मैं तो शादी नहीं करूंगा सर, और ये भी। तुम्हारे माँ बाप को भी शादी नहीं करनी चाहिए थी, इस दुनिया में दो और इडियट्स कम पैदा होते। सर ये है रणछोड़ दास के फादर की मंथली इनकम 2.5 करोड़ रुपया। अब इसमें से एक या दो जीरो कम कर तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं एक और जीरो कम कर Then I would worry a little. ये है तुम्हारे फादर की मंथली इनकम मिस्टर फरहान। Yes. अब इसमें एक और जीरो कम कर तो ये तुम्हारी फैमिली इनकम मिस्टर राजीव रस्तों की। Big reason to worry.
वीरू से अष्टबुद्धे की बात मानो और मैं कमरा चेंज करूँ, चतुर रामलिंगम के साथ शिफ्ट हो जाऊँ, एग्जाम्स आ रहे उस छाछर के साथ रहोगे तो कभी पास नहीं होगी। डरना पड़ता है, मुझे अच्छी नौकरी के लिए अच्छे ग्रेड चाहिए और ग्रेड उसके हाथ में। तेरे से हिस बाप नहीं है मैं यार, ये खर्चे में मैं अपनी पूरी जिंदगी चला लूंगा। यार राजू तू बकवास कर रहा है यार। यार ये जो बोलेगा वही नहीं क्या? ऑल इज वेल ऑल इज वेल, तू होगा चमचा इसका, मैं नहीं। राजू तू लाइन क्रॉस कर रहा है यार। नहीं मैं बीच में लाइन बना रहा हूं, मुझे मेरी फैमिली को सपोर्ट करना है। माँ की आदि शायरी बाबा की दिवाली में जाती है, कमों की शादी नहीं होगी क्योंकि क्योंकि लड़की वालों को मारुति ठंडी चाहिए। पिछले 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 5 सालों में माँ ने एक साड़ी तक नहीं खरीदी। अब यार तू कॉन्वर्सेशन में माँ की साड़ी बिछड़ेगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ? वैसे इस साल में कितनी साड़ियाँ रीजनेबल होती होगी? ए माँ को लेकर मजाक नहीं आ यार, तो फिर बुरा मान लिया। तू मेरी एक बात सुन, हम लोग पढ़ेंगे जी लगा के पढ़ेंगे, इनको एग्जाम एग्जाम पास करने के लिए नहीं। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस का पीछा मत करो, एक्सीलेंस एक्सीलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पास आएगी। किस महापुरुष ने कहा? मबन छोड़ दे मरो सर। क्या तू ऐसे बात करेगा तो कैसे हम लोग बात करेंगे? तू क्यों टेंशन ले रहा है? वे टॉक करेंगे पढ़ेंगे, नथिंग इज इम्पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल राइट, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये कुछ दूसरा आवाज सुन रहा है, राजू ने अपना ट्रेन का डब्बा बदल दिया। अब वो हमारे साथ नहीं चतुर के साथ सफर करने निकल पड़ा। हिंदी का सफर नहीं, अंग्रेजी का सफर। SUFFER चतुर को लोग साइलेंसर बुलाते थे। माइंड को शार्प करने के लिए कोई बंगाली बाबा का चूरन खाया करता था और साइलेंटली गर्म हवाएं छोड़ता था। I didn't do it, Raju. और इल्जाम हमेशा दूसरों पे थोप देता था। साइलेंसर दिन में 18 घंटे रट्टा मारता था और एग्जाम की रात दूसरों को पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करता था। रैंचो ने साइलेंसर को सबक सिखाने का और राजू को बचाने का एक कंबाइंड प्लान बनाया। हमारे डायरेक्टर साहब ने यहाँ कई चमत्कार किए हैं। चमत्कार का मतलब है? मतलब नहीं चाहिए दुबई जी, आई मेमोराइज इट, मैं याद कर लूंगा। अरे रट्टू। टीचर्स डे की इंट्रोडक्टरी स्पीच के लिए चतुर को चुना गया। उसने वायरस को इम्प्रेस करने के लिए अपनी स्पीच लाइब्रेरियन दुबे से शुद्ध हिंदी में लिखवाई। हेलो, ओके आई एम बुला कर। चतुर तुम्हारा फोन है। देखिए बेटा आपके पास आके मैं अभी आती हूं। अच्छा, अब ये भी काम है। हेलो 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 मिस्टर रामलिंगम। यस जी, मैं राजपत नगर पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। अरे जी, आप डायरेक्टर साहब ने याद किया क्या? हाँ अभी अभी चाहिए चाहिए। अच्छा ये तुम चतुर बोल रहे हो? आप युगांडा से हैं? यस सर। जी आपकी जान को खतरा है। व्हाट क्या हुई? चतुर इस सदमे से रिकवर करता उससे पहले रैंचो ने उसकी स्पीच के चंद शब्द बदल डाले, जैसे चमत्कार बन गया बलात्कार। अब आप मेरी इंस्ट्रक्शंस ध्यान से सुनिएगा। ओके। वरना आईसीयू के गेट से बाहर निकलते ही बीच रोड पे आपकी मौत हो जाएगी। व्हाट हाउ? हां एक मिनट गोली छोड़ दीजिए, कमिश्नर साहब का फोन है। Excuse me sir, sir, sir. और क्या बोलूं हुए?
आपने कहा गेट के बाहर मेरी मौत। देखो जब तुम गेट के बाहर निकलोगे तब तुम्हें एक सिग्नल दिखाई देगा, ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल, ओके ओके। और जब वो सिग्नल लाल हो जाएगा यानी कि रेड, तब सारी गाड़ियां रुक जाएगी। ओके ओके। फिर तुम ध्यान से रोड क्रॉस करना। वो क्या है ना बेटा, आजकल ट्रैफिक ट्रैफिक बहुत बढ़ गई है, कोई एक्सीडेंट हो गई तो मौत भी हो सकती है। व्हाट नॉनसेंस, आई नो दैट, आई नो दैट बेटा। शाबाश शाबाश, तब तो तुम सेफ हो, गुड बॉय। बन गया। अभी मुझे बुलाया सर? कौन हो तुम? सर दुबे, लाइब्रेरियन सर। परमानेंट हो सर। कॉन्ग्रेचुलेशन। अतिथि विशेष शिक्षण मंत्री श्री आर डी त्रिपति जी, माननीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे सभागण, आज अगर ऐसी आसमान की बुलंदियों को छू रहा है तो उसका श्रेय सिर्फ इंसान को जाता है, श्री वीरु सहस्त्र बुद्धे के उपयोग करता है।
तुम्हारा क्या बिगाड़ी थी? आ यार, पर्सनली मत ले यार। पर्सनली लूंगा चतुर रामलिंगन, इस इंसल्ट को कभी नहीं भूलेगा। I think of it every minute, every second of my life. क्या यार, हम लोग एक्चुअली क्या है ना, राजू को डेमो दे रहे थे, डेमो। रट के मत पढ़ यार, कुछ समझ के पढ़, इसका मजा लूट यार। मैं यहाँ मजा लूटने नहीं आया हूँ। तो क्या इज्जत लूटने आया है? साइंस का बलात्कार करने? तू चुप, तू चुप। हंसो, मेरी मेथड्स भी और हंसो। एक दिन इन्हीं मेथड से मैं सक्सेसफुल बन के दिखाऊंगा, फिर मैं हंसूंगा और तुम रहोगे। नहीं यार, फिर गलत ट्रेन पकड़ रहे। सक्सेस के पीछे मत भाग, इतना अच्छा इंजीनियर बन की सक्सेस तेरे पीछे भागे यार। दीज आइडियाज डोंट वर्क इन द रियल वर्ल्ड शानशर। तू तेरी ट्रेन पकड़ और मैं मेरी पकड़ता हूँ। 10 साल के बाद इसी स्टेशन पे आए मिलेंगे, देखेंगे कौन ज्यादा सक्सेसफुल बना, तू या मैं। हे हिम्मत बोल, हे हिम्मत आएगा, आएगा बोल, आएगा। ये डेट मत भूलना चल। ऐसी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स की मुझे आदत नहीं है। अब आदत डाल लो पिया, यू गोना बी स्वास टंडन्स वाइफ। वेयर इज द बिल मैन? चेंज की थी? क्या झूठ मत बोलो, क्या प्रॉब्लम है तुमको मेरे डैड से? अरे मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो उनके नाम का डिवाइस भी बना रहा हूँ, ये देखो। क्यों मेरे डैड के पीछे पड़े हो? क्यों, यू कॉलेज नहीं, फैक्ट्री चला रहे, फैक्ट्री जिसमें आज गधे मैन्युफैक्चर होते हैं। वो देखो तुम्हारा गधा, देखो देखो। हाउ डेयर यू कॉल हिम अ गधा? तो और क्या बोलूं, पहले इंजीनियरिंग की, फिर MBA किया, फिर अमेरिका में जाके बैंक में नौकरी कर रहे। अगर बैंक में नौकरी करनी थी तो इंजीनियरिंग का ही क्यों किया? ऐसे गधों के लिए ना लाइफ से एक प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट होता है, उससे तुम्हें प्रॉफिट नजर आ रहा है इसलिए तुमसे शादी कर रहे। डायरेक्टर की बेटी हो, डॉक्टर बनने वाली, उसके मेचल अच्छा वगैरह वगैरह, उसे तुमसे कोई लगाव नहीं है। तुम समझते क्या हो अपने आप को? What do you mean by सुहास को मुझ में इंटरेस्ट नहीं है? नई गाड़ी खरीदी ना, तुम्हें क्या ना हर वक्त डेमो देना पड़ता है, डेमो। एक मिनट, हे सुहास। हाँ गई थी तुम प्रिया? I've been looking for you. अरे घड़ी खो गई थी बेचारी की, खोज रही है। What? You lost the watch? अरे कोई बात नहीं यार, नहीं खरीद लेना। 4 लाख की घड़ी थी। 4 लाख? Shut up! How can you be so careless, Priya? Your careless attitude is disgusting, disrespect. Limited edition की वॉच थी जो तुमने अभी घुमाई, फ्री में मिली तो चली बस। अब डिनर में पहननी अपने 18th सेंचुरी वाली वॉच। क्या ऐसे क्या घूर रही है? घूमना बंद करो, घड़ी ढूंढो, रोने से कुछ नहीं होगा। कोई और हाथ ढूंढ लेना इस घड़ी के लिए, गधे। अरे यार तुम तो बड़ी सॉलिड हो यार, तुम पे गधा बोल दिया। गेट लॉस्ट? व्हाट शोर है ना यहाँ पे, मुझे थैंक यू बोल दिया, मुझे गेट लॉस्ट सुनाई दे रहे। मैंने गेट लॉस्ट ही बोला। इतना क्या बढ़त रही हो, तुम्हें पता है तुम्हें भी उससे कभी एक्चुअली प्यार नहीं था। हेलो, व्हाट डू यू मीन? मतलब कि जब वो तुम्हारे सामने आता है तुम्हें कभी ऐसा लगा कि या स्लो मोशन में दुपट्टा उड़ने लगा या फिर आसमान में चांद कुछ ज्यादा बड़ा हो? ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में नहीं। अरे नहीं नहीं, रियल लाइफ में भी होता है, इंसानों से प्यार करोगी तो जरूर होगा, गधों से नहीं होता है। हेलो, हाँ क्या
हाँ मैं आता हूँ, एक मिनट एक मिनट। तुम मेडिकल स्टूडेंट हो ना? प्लीज प्लीज आई नीड हेल्प इमरजेंसी प्लीज। अरे तुम लोग प्लीज हेल्प करो ना यार, तुम डॉक्टर लोग कसम खाते हो ना कि पेशेंट लोग को कभी ना नहीं कहें, उसे क्या कहते हैं यार वो डिप्लोमेटिक हो। प्लीज 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 चलो। ओके चलो। तुम्हारी स्कूटर कहाँ है? उधर चलो 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 चलो। तुम मेरी बहन की शादी में घुसाए, मेरी एंगेजमेंट तोड़ दी, बैग तुम्हारी वजह से बीपी की गोलियां खा रहे हैं, और मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ? अनबिलीवेबल, ये हिपोक्रेटिक्स की तो सालों ने लगा दी डॉक्टरों को। हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। टैक्सी लेने गया है बेटा, एम्बुलेंस को 2 घंटे पहले फोन किया था। अजीब देश है हमारा, पिज्जा 30 मिनट में आने की गारंटी है पर एम्बुलेंस अर्जेंटली। कबीरे, बाबा को स्कूटर बुलाया? तो क्या स्पीड पोस्ट से भेजता? ए, बाबा के प्रोफेशन में जाने का नहीं। बाबा कहाँ है? मुझे क्या पता, डॉक्टर से पूछ। क्लोज कॉल प्रिया, 2-2.5 मिनट थोड़ा देर हो जाते, तो भी पूरा लॉस्ट है। अच्छा हुआ एम्बुलेंस की वेट नहीं की। थैंक यू यार। साले दोस्त को थैंक्स बोलता है, वो साइलेंसर तुझे मैनर्स सिखा रहा है। उसने तुझे ये नहीं सिखाया कि दोस्ती इंसान का सबसे बड़ा स्थान होता है? चलो चलो, कल एग्जाम्स है ना तुम लोग का? अरे एग्जाम्स तो बहुत होते हैं, बाप ने उसके लिए किया। अब तो पोस्टमास्टर साहब को साथ दे के ही जाएंगे। मुझे माफ कर दे यार। बस मैं डर गया, मुझे माफ कर दे यार। बस चुप यार, जा बाबा से बड़े सी रोती है शक्कर देखे जा। हमारी स्कूटर ने तो आज जान बचा ली, अच्छी है। कितने की है? चटनी डाल के देखो, शायद बता दे। हे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। लेकिन आज 15 अगस्त नहीं है। तुम्हारे लिए तो है, अब तुम जब चाहो अपनी माँ की घड़ी पहन सकती हो, कोई नहीं पूछेगा कि 18th सेंचुरी की घड़ी क्यों पहन रही हो। बाय। हे, लेकिन तुम्हें कैसे पता वो मेरी माँ की घड़ी है? बहन की शादी में लड़की ऊपर से नीचे बन ठन के, लेकिन हाथ में घड़ी पुरानी, इसका क्या मतलब है? उस दिन तुम अपनी माँ को बहुत मिस कर रही थी ना? हाँ। तुम्हारी माँ बहुत खूबसूरत रही होगी ना? हाँ, तुम्हें कैसे पता? अपने बाप को देखा है? Life is a race, if you don't run fast, he'll be like a broken anda. आप अब कुकू बनो। सर, 5 मिनट सर, हम आधा घंटा लेट हो गए सर।
उसने हमें ऐसे देखा जैसे हमने उसकी दोनों किडनियां मांग ली हो। फिर वो अपने काम पे लग गया। सर प्लीज सर सर आप जानते हैं हम लोग कौन है? अब जो भी हो, प्राइम मिनिस्टर का बेटी तो भी हो, आपका पेपर नहीं ले सकता मैं। सर आप हमारा नाम और रोल नंबर जानते हैं? नहीं नहीं तो आ जाओ। आज रिजल्ट्स निकलने वाले थे। डरे सहमे सब भगवान के साथ डील स्ट्राइक करने में लगे थे। भगवान कैसी ना कैसी अपने बहन के नजर से देखूं। भगवान फिजिक्स बचा लो, मैं हर महीने 100 रुपए चढ़ाऊंगा। 100 रुपए में तो ट्रैफिक हवलदार भी नहीं मानते। भगवान क्या खाक मानने वाले थे। और अपना देख, सेकेंड लास्ट यार। रांचो नहीं है यार, नहीं है। दिल बैठ गया, इसलिए नहीं कि हम लास्ट आए थे, पर इसीलिए कि हमारा दोस्त फेल हो गया था। और ये साइलेंसर का चिल्ला क्यों रहा है यार? सेकेंड लास्ट ह्यूमन बिहेवियर के बारे में हमने कुछ जाना। दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो और भी दुख होता है। हम दुखी थे, लेकिन हमसे ज्यादा दुखी एक और आदमी था, वायरस। चंदू रामलिंगम, लेफ्ट साइड का डायरेक्टर। कहाँ आ रही है? बोल, बाद में कर लेते हैं। छोड़ दस सांचल, राइट साइड का डायरेक्टर। हे सर, ये रैंक सिस्टम के हिसाब से बैठना जरूरी है क्या? सर मुझे तो पूरे ग्रेडिंग सिस्टम से ही प्रॉब्लम है सर। ऐसा लगता कोई कास्ट सिस्टम है सर। ए ग्रेड स्टूडेंट्स बादशाह, बी ग्रेड स्टूडेंट्स गुलाम। यू सी सर, इट्स नॉट नाइस सर। क्यों, तुम्हारे पास कोई बेटर आइडिया है? हाँ है ना सर। सर क्या है, रिजल्ट्स जो है ना उसे नोटिस बोर्ड पे लगाने ही नहीं चाहिए। क्यों किसी की कमियां किसी की खामियां हम खुलेआम सबके सामने पेश करें? अब सर देखिए, आपके ब्लड टेस्ट में हेमोग्लोबिन कम है तो डॉक्टर आपको टॉनिक देगा या फिर आपका रिपोर्ट टीवी में दिखाएगा। सो बेसिकली व्हाट यू ट्राइंग टू से कि मैं वन बाय वन सबके कमरे में जाके सबके संस्कार में बोलूं, ओ कांग्रेचुलेशन था फर्स्ट टाइम, अब सेकंड है, ओ सॉरी फेल हो गए। नहीं सर, मेरा मतलब वो नहीं था। बट क्या है ना सर, ग्रेट क्रिएट्स डिवाइड सर, डिवाइड। अब सर देखिए, मैं फर्स्ट आया तो मैं आपके साइड बैठा हूँ, मेरे दोस्त बेचारे लास्ट आए हैं तो उनको देखिए ऊपर कोने में बैठा दिया। कम से कम कोने में तो बैठे, तुम्हारे साथ रहेंगे तो अगली बार फोटो से बाहर हो जाएंगे, ना पास होंगे ना उनको अपनी जॉब्स देंगे। नहीं सर, जॉब तो मिल जाएगा सर, आई गारंटी यू सर, जॉब तो मिल जाएगा। यू गारंटी इट? यू गारंटी इट? यस सर, बेट्स ऑफ बेट। मनमोहन, उन दोनों में से किसी एक को भी कैंपस से नौकरी मिले तो गोविंद से कह के मेरी मूछ कर। हैप्पी? वेरी हैप्पी सर। एमनवान, चतुर के बिना फोटो लो। ओ गॉड, साले कार के हॉर्न के पीछे अपना बब्बू छुपा रहे। गॉड, आई डिडंट डू इट। यार तेरी इस बदबू से हम बहुत पहले से वाकिफ है। ओह यार, ओह आई कांट टेक इट एनी मोर। ओह ओके, उठो ओए, आ गए डार्जिलिंग। चले बोल चतुर, आ गए। कहाँ है उसका घर? यार
325 meters to the left, 420 to the right, 100 diagonally opposite to the left, and there we go. It's Rancho's house over there. Did you know how? I know, I've used my GPRS phone. I'm a smart boy, not like you, idiot. But Chatur ka to main hi murder karunga ek din. जी कहिए, मैं ही हूँ रणछोड़ दास। हमें रणछोड़ दास श्यामल दास छाछर से मिलना है। जी मैं ही हूँ रणछोड़ दास श्यामल दास छाछर। बोलिए क्या काम है? जो दिल्ली से लेके दार्जिलिंग आया अंडरवेयर में, वो भी गलत आदमी से मिलने। अब यार लेकिन सेम शक्ल, सेम आदमी, सेम नंबर, लेकिन चेहरा कैसे अलग हो गया? अरे यार लेकिन ये चतुर को उसका एड्रेस मिला कहाँ से? ओए चतुर! हे, हाउ डेयर यू ओपन दिस? हे, हाउ डेयर यू ओपन दिस? आई बॉट दिस फ्रॉम अब्रॉड। Especially for Mr. Funsuk Mangriu. I bought this from Mr. Funsuk Mangriu. Funsuk Mangriu? Abhi ye kaun? Not Mangriu, Mangriu. W. Funsuk Mangriu. Do you know who he is? He's a great scientist. 400 patents. The world wants him. Ek saal se chase kar raha hu. Ab jaake meeting fix hui hai. Once he signs the deal with my company, I'll be huge. अबे फुनसुक मांगड़ू की आरती तोड़ना बंद कर और हमें ये बता कि तुझे रंचो का एड्रेस मिला कहाँ से? You should be thankful, Mr. फुनसुक मांगड़ू. उसी की वजह से मुझे रंचो का क्यू मिला. मेरी सेक्रेटरी केसी लास्ट मंथ यहाँ आई थी मिस्टर मांगड़ू से मीटिंग फिक्स करने. केसी को मिस्टर मांगड़ू का तो अपॉइंटमेंट नहीं मिला, पर मुझे रंचो जरूर मिल गया. जब मैंने दार्जिलिंग की फोन डायरेक्टरी में उसका नाम चेक किया तो मैंने देखा उसका नाम चंचर ब्रांचोर था। अबे तो शक्ल कैसे चेंज हो गई? तेरे आने की खबर सुन के प्लास्टिक सर्जरी डाल गया? इसका जवाब तो सिर्फ एक ही जन दे सकता है। आई एम सॉरी पापा, मैं आपकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर पाया। आप कहते रहे हरिद्वार ले चलो, हरिद्वार ले चलो, और मैं यहाँ हाईवे के टेंडर का खुलने का वेट करता रहा। यहाँ हाईवे का टेंडर खुला और वहाँ आपने आंखें बंद कर ली। आई एम सॉरी पापा, आई कुड नॉट बी अ गुड सन। अरे क्या बोल रहे तू? इतना बड़ा इंजीनियर बना, डिग्री दीवार पे लटकी है, यू आर अ वेरी गुड सन। बिना परमिशन मेरे प्रॉपर्टी में घुसे कैसे? हाँ अंदर करवा दूंगा। अंदर तो तू जाएगा साले, आईसीए की डिग्री के जोर पे हाईवे प्रोजेक्ट्स और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स ले रहा है। ये डिग्री तेरे पास कैसे आई? ये तुम्हारे दोस्त की है। प्रॉपर्टी है, भेजा उड़ा के यहीं के कोने में दफना दूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। नाउ गेट द पॉइंट, गेट लॉस्ट। अरोड़ा
होगा। मैं बस तीन तक गिनूंगा। अबे डराता किसको है? राजू खाली कर दे। ये चला बोली। दो। अबे डराता किसको है? हम तो नरक जाएंगे लेकिन तेरे पापा के चादर उठा के जाएंगे। छल्ली से छान छान के निकालते रहे ना अपने पापा को। क्या है? धोखे से खाली तो ले, गलत तो ले। खाली क्या? पापा की सौगन वो तो छोटे था, मैं छोटा सू। वो हमारे मानी का बेटा था, सब उसे छोटे बनाते थे। उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद भी पापा ने उसे हमारे घर में रख दिया। वो हमारे घर का ऑड जॉब्स करता था, बल्ब बदलना, अंडे बेडने आना, इस्त्री करना, पढ़ने का बड़ा शौक। चार साल के लिए लंदन चला गया और वो मेरे नाम से आई सी में पढ़ता रहा। बाबा के साथ डील थी कि एक बार आई सी की डिग्री मिल जाने के बाद लाइफ में किसी से नहीं मिलेगा। वो तो कहता था कि मैं नहीं मिलूंगा, पर एक दिन मुझे ढूंढते ढूंढते दो इंडिया चले आए। बहुत मिस करता था मैं एड्रेस देता हूँ जो मिल लो उससे, पर मैं सीक्रेट किसी को मत बताता। ए! साहब जी गलत बटन ले जाएंगे, इनमें बड़ा साइज का ही है। आज उस कमीने रैंचो की लिज्जत और भी बढ़ गई। हम सब तो कॉलेज सिर्फ डिग्री पाने के लिए जाते थे। डिग्री नहीं होगी तो कोई नौकरी नहीं होगी, नौकरी नहीं होगी तो कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा, बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देगी, दुनिया रिस्पेक्ट नहीं देगी। लेकिन वो साला सिर्फ पढ़ने आया था। उसे ना लास्ट आने का डर था ना फर्स्ट आने का लालच। चतुर राजू उठ उठ उठ, चल कुछ खा लेते हैं यार, दिन भर से चला रहा हूँ, चल उठ। फरमान वेयर आर यू गोइंग? कलकत्ता। बट व्हाई? रैंचो से मिलने? You know what does he do over there? You know? Tell, tell. एक स्कूल का ड्रेस मिला है। School master. A for apple, B for ball. अब इसकी दांत तोड़ रहा है कि? अरे बेटा पीछे बैठ। School teacher. पूरा बलात्कार कर दिया। सामूहिक, you know, सबके सामने in public. भगवान मैं नॉन वेज छोड़ दूंगा। हजार 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 बच्चिया जलाऊंगा मैं भगवान। तू बस वायरस को उठा ले भगवान, नाक में चलाओ उसे साले के गर्म तेल में पकौड़े बना भगवान। अबे भगवान को रिश्वत दे रहे क्या? हमें तू मत बोल साले, हर साल डायरेक्टर के राइट में बैठ के फोटो खिंचवाते हैं और हम लोग कोने में सड़ रहे होते हैं। मुझे तो डर है यार, इस साल फोटो में रहेंगे भी कि नहीं। पता है मैं हर साल फर्स्ट क्यों आता हूँ? क्यों? तुझे पता है मैं हर साल फर्स्ट क्यों आता हूँ? क्यों बे? क्योंकि मुझे मशीनों से ना प्यार है। प्यार, इंजीनियरिंग मेरा पैशन। तेरा पैशन क्या पता है? अबे वो मेरा आ गया, क्या कर रहे हैं? बस साले। अरे अरे ओड़ा 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 पड़ा, अब भी उठा। अरे ले, तेरा पैशन है ये है तेरा पैशन। लेकिन लेकिन क्या हो? बता रहा हूँ, 5 साल पहले ये खत लिखा था अपने
एस्तवान। हाँ हंगरी से। उसके पास जाके हंगरी जाके काम सीखना चाहता था, लेकिन अपने पाप हिटलर कुरेशी के डर के कारण उसने ये चिट्ठी पोस्ट ही नहीं की। अरे सुन भाई सुन, इंजीनियरिंग छोड़ दे, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन। सुन भाई सुन, वो काम कर जिसमें तेरा टैलेंट हो। अगर लता मंगेशकर की माँ ने उसे कहा होता कि तू फास्ट बॉलर बन जा, या सचिन तेंदुलकर के डैड ने कहा होता कि तू सिंगर बन जा, तो सोच वो लोग आज कहाँ होते। सुन रहे हैं तुम लोग? मेरा बात समझ, छोड़ दे सब, वो कर जिसमें तेरा टैलेंट है। साला इश्क करते हैं जानवरों से और शादी कर रहा मशीनों से। सही है। बाबा बाबा, मेरी तो गर्लफ्रेंड और वाइफ दोनों ही इंजीनियरिंग है, तो फिर मैं लास्ट क्यों आता हूँ बाबा? क्योंकि तू डर डर के जीता है, डर डर पोक है तू। हाथ हाथ दिखा, छोड़ छोड़ इधर। साले अंगुलियां कम है और अंगूठियां ज्यादा है। एक बहन की शादी के लिए, एक जॉब के लिए, एक एग्जाम के लिए। साला फ्यूचर का इतना टेंशन करेगा तो अभी क्या जिएगा? खा जिएगा अभी तू? जी दोस्त मिले ऐसा, एक डर डर के जीते और एक साला मर मर के। लेकिन ये तो दोनों करता है, साले डरता भी है और मरता भी। ये पिया पे मरता है लेकिन पुण्य को डरता है। चलना भी फ्री एडवाइस देना इजी है काके, पर करना करना मुश्किल है। हिम्मत तो जाके पिया को बोल बोल। फुल कनेक्शन है बाबा, फुल कनेक्शन है। तू मेरी सुन, अगर तू पिया को जाके बोलेगा कि तू उससे कितना प्यार करता है, तो मैं भी अप्पा के पास जाऊंगा और मुंह पे बोलूंगा मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है, मुझे फोटोग्राफर बनना है। हाँ और सुन सुन, मैं भी अपनी अंगूठियां निकाल कर इंटरव्यू देने जाऊंगा। अब बोल। बोलेगा क्या? बाबा की बोलती हो गई बंद। बोल हिम्मत। ए दारू मंत्र बात करिए। ओए देख ले पहले, कोई डॉगी वॉगी तो नहीं है ना? मैं कोई डॉगी वॉगी से डरता थोड़ी। चल सुन 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 सुन, तुम लोग जाओ, मैं यहीं वेट करता हूँ।
कोई अगर आएगा तो मैं वायरस से नाम दूंगा। बैकग्राउंड म्यूजिक देता हूँ। पिया कौन है? कुछ ना कहो। बस दो मिनट, बस दो मिनट मेरी बात सुन लो, फिर मैं चला जाऊंगा। और प्लीज ये चादर को है ना अपने मुंह पे रख के रखो, क्योंकि फिर मैं तुम्हें देखकर बोलने हैं वो बोल नहीं पाऊंगा। कुछ भी ना कहो। तुम्हें पता है मैं ना अपनी पूरी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ उठे पे बिता सकता हूँ। वाओ क्या? तुम ना रोज दुल्हन की कॉस्ट्यूम में स्कूटर पे बैठकर मेरे सपनों में आती हो। हम सब गया है घूंघट की जगह ना हेलमेट उतारती हो और फिर मुझे किस करने आती हो, लेकिन वो किस हो नहीं पाती है यार। क्यों? क्योंकि नाक बीच में आ जाती है और फिर मैं जाग जाता हूँ। किस करने से नाक बीच में नहीं आती है स्टुपिड? रात को बड़ी भयानक लगती है। मार खाओगे अगर अगली बार बोला तो। साले वायरस बुड्ढे। साले वायरस, अब्बा वो चिट्ठी भेजते हैं, ये ले। टाइप करना आता है? यस यस सर। मेरे लिए लेटर टाइप करोगे? जी सर जरूर। क्या लिखो सर? इट इज माय पेनफुल ड्यूटी टू इन्फॉर्म यू that your son, Mr. Raju Rastogi, is rusticated from the Imperial College of Engineering. Sir, my decision is final and irrevocable. Abba mar jayenge, sir. Ye baat main darwaze pe susu karne se pehle sochni chahiye thi. Theek hai, tum ek kaam karo. Us letter mein se apna naam hata do. Ranchhor Das Chhachhar ka naam likh do. Sir. तुम अपना नाम हटा दो और रणछोर दास छाछा का नाम लिख दो। मुझे मालूम है वो तुम्हारे साथ था। मेरे विटनेस बन जाओ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। सर,
जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। चाहे तुझको रब बुला ले, हम न रब से डरने वाले, राहों में डट के खड़े हैं हम, यारों से नजरें चुरा ले, चाहे जितना दम लगा ले, जाने ना तुझको ऐसे देंगे हम। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। दो कदम का ये सफर है, उम्र छोटी सी डगर है, एक कदम में लड़खड़ाया क्यों। मैंने बुलाया। थैंक यू। इट्स वेटिंग। क्यों? जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है। अच्छा तू चल रहा है मेरे साथ? नहीं, मैं तुझे घर ड्रॉप करूंगा और फिर खुद जॉब इंटरव्यू के लिए जाऊंगा। साले मैं घर क्यों जाऊंगा? भूल गया, इस कमीने से कुछ प्रॉमिस किया था। ला टाई दे अपनी। क्यों? दे दो, मुझे नहीं लगता ये पढ़ने के बाद तुम इंटरव्यू के लिए जा पाओगे। क्या है ये? चिट्ठी है तेरे लिए, अंग्रेज है, कोई फोटोग्राफर है आंद्रेस तवान। साले तुल्लू ने मेरी चिट्ठी पोस्ट कर दी। तेरे फोटोज उसे बहुत पसंद आ गए फरहान, पगला गया साला, कहते हैं तुझे असिस्टेंट बनाना चाहता है। एक साल के लिए ब्राजीलियन रेन फॉरेस्ट में काम करने बुलाया है, कहते हैं तुझे सैलरी भी देगा। अब्बा नहीं मानेंगे। जाओ उनके पास और प्यार से समझाओ, आज डर मत फरहान, ये तो 25 साल बाद जब तू ऐसी किसी अस्पताल में पड़ा होगा और मरने का इंतजार कर रहा होगा तब सोचेगा कि लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पर थी, जरा सी हिम्मत कर लेता ना सारी जिंदगी कुछ और हो जाती। क्या ख्याल है, पसंद आएगा उसे? अरे आज साहबजादे को नौकरी मिल रही है, अब तो सर उठा के फकर से घूमने के दिन आ गए हैं और तुम कंजूसी कर रही हो। अरे फरहान, फरहान आज तुम्हारा इंटरव्यू था ना? मैं नहीं गया अब्बा, मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता। वो शैतान रेंचो अब भी तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है? अब्बा मुझे नहीं समझ आती इंजीनियरिंग, बन भी गया ना तो बहुत खराब इंजीनियर बनूंगा अब्बा। वो रैंचो बड़ी सीधी सी बात कहता है, जो काम में मजा आए उसे अपना प्रोफेशन बना लो, फिर काम काम नहीं खेल लगेगा। अरे कमाओगे कितना उस जंगल में? अब्बा स्टाइपेंड ज्यादा नहीं है पर सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। 5 साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीदते अपना घर बनाते देखोगे तो कोसोगे अपना। इंजीनियर बन के फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा अब्बा, फिर जिंदगी भर आपको कोसूंगा, बेहतर तो यही है ना कि मैं अपने आप को कोसूं। अरे हंसेंगे लोग, कहेंगे कि फाइनल ईयर में आके छोड़ दिया। वो हमारे कपूर साहब कह रहे थे कि खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा बेटा आईसीई में पढ़ता है, वो क्या सोचेंगे? कपूर साहब ने मेरे कमरे में एसी नहीं लगवाया था अब्बा, मुझे आराम से सुलाकर वो खुद गर्मी में नहीं सोए थे, कंधे पे बिठाकर वो मुझे जुगुमाने नहीं लेके गए थे। आप क्या सोचेंगे फर्क पड़ता है, कपूर साहब क्या सोचेंगे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मुझे तो उनका पहला नाम तक नहीं पता अब्बा। ड्रामा कर रहा है। बस भी कीजिए, परेशान है बेचारा, खुदा ना करे राजू जैसा कुछ कर बैठे। फिर तो डिस्कशन ही खत्म हो गई ना, कुछ मत कहो साहबजादे से वरना छत से कूद पड़ेंगे।
अब्बा मैं सुसाइड नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। वो जो रैंचो है जिसे आप शैतान कहते हैं, उसने जबरदस्ती इसमें आपका रम्मी का फोटो डलवाया, प्रॉमिस कराया कि जब भी ऐसे स्टूपिड ख्याल तुम्हारे सिर में आए, इस फोटो को एक बार देखना और सोचना कि उस स्माइल का क्या होगा जब वो तुम्हारी मरी हुई बॉडी देखेंगे। मैं आपको कन्विंस करना चाहता हूं अब्बा, पर ये सुसाइड का तलवार आपके सिर पे लटका कर क्या होगा अगर मैं फोटोग्राफर बन गया? दो पैसे कम कमाऊंगा, गाड़ी छोटी होगी, घर छोटा होगा, बट मैं खुश रहूंगा अब्बा, आई बी रियली हैप्पी। जो करूंगा दिल से करूंगा। आज तक मैंने हर बार आपकी बात सुनी है, बस एक बार मुझे अपनी दिल की बात सुनने दीजिए अब्बा। अब्बा अब्बा मत जाइए ना, अब्बा प्लीज अब्बा, इसे वापस कर देना। बेटे वो तुम्हारा प्रोफेशनल कैमरा कितने का आएगा? इस लैपटॉप के अगेंस्ट आ जाएगा ना? अगर और पैसे लगे तो मांग लेना। अब्बा बेटे ने जी ली अपनी जिंदगी। क्या हो गया? एन एक्सीडेंट सर। मैं वो पास में जो बिल्डिंग है, मैं उसके टेरेस से कुरियर। व्हाई सर? मुझे रस्टिकेट कर दिया गया। क्यों सर? वो मैंने नशे में डायरेक्टर के दरवाजे पर पेशाब कर दिया। आपके मार्क्स कंसिस्टेंटली पुअर हैं, कोई खास वजह? डर सर, बचपन से बेस्ट फ्रेंड था, माँ बाप को लगा ये हमारी गरीबी मिटाएगा, मैं डरने लगा। यहाँ आया देखा ड्रेस ले लूंगी, फर्स्ट नहीं आओगे तो कुछ जाने का भी नहीं। मैं और डरने लगा। फियर इज नॉट गुड फॉर ब्रेड सर। और मुठिया पहनने लगा, पूजा करने लगा, पूजा करो भगवान से भीख मांगने लगा, ये दे दो वो दे दो। 16 हड्डियाँ टूटी, 2 महीने सोचने का मौका मिला, तब जाके बात समझ। सर आज मैंने भगवान से नहीं कहा कि मुझे ये जॉब दिला देना, मैंने बस इस लाइफ के लिए थैंक यू बोला। सर अगर आप लोग आज मुझे रिजेक्ट भी करते हैं ना सर, तो कोई दम नहीं, क्योंकि मैं अपने लाइफ के साथ कुछ ना कुछ तो ढंग का कर ही लूँगा। देखिए आपका इतना फ्रैंक बिहेवियर हमारे कंपनी के लिए ठीक नहीं है। क्लाइंट्स को हैंडल करने के लिए हमें एक डिप्लोमेटिक आदमी की ज़रूरत है, आप तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बट अगर आप हमें ये भरोसा दिलाएं कि आप अपने इस एटीट्यूड को कंट्रोल कर सकते हैं तो कुछ पॉसिबल है। श्योर। दोनों टांगे तुड़वा के अपने पैरों पर खड़ा होना सीखे सर, बड़ी मुश्किल से आया है लेकिन नहीं होगा सर। आप सर आप अपनी नौकरी रख लीजिए, मैं अपना एटीट्यूड रख लेता हूँ। रुको, 25 साल से रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ, बहुत सारे इंटरव्यूज भी लिए हैं, जॉब पाने के लिए लोग हमारी हाँ में हाँ मिला ही देते हैं, तुम कहाँ से आए हो यार? जी सैलरी कितना लोगे भैया, डिस्कस कर ले। थैंक यू सर। जहाँ पना तो सी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। प्यार हमारा था बस, छूके हमारे दगस, कहाँ गया
उसे ढूंढो। गोविंद सर, आपने ही तो कहा था उनको नौकरी मिल जाए तो काट देना। तूने तो पी रखी है, बस दो चार लगा। दो चार, दो या चार, काय के लिए इतनी रात को तुम्हारे रूम में आने के लिए? ये गलत है, तुम अभी निकलो, जाओ घर जाओ, रात को नहीं आने का। अच्छा मुझे एक बात बताओ, you really feel कि किस करने में नाक बीच में आती है? तुम लोग ये डोगले खाओ। तुम गुजराती लोग कितने क्यूट होते हो, पर तुम लोग का खाना इतना खतरनाक क्यों होता है? ढोकला, खाखरा, फाफड़ा, थेपला, हलवा, जैसे कोई मिसाइल से। आज बुश ने इराक पे दो ढोकले गिरा दिए, 400 लोग मारे गए, 200 लोग घायल। ये ढोकला फाफड़ा तुम्हें झेल लो, पर तुम्हारा ये नाम रणछोड़दास छमलदास चाचर, शादी के बाद अपना सरनेम नहीं चेंज करूंगी। हमारी शादी नहीं हो सकती। क्यों? किसी और को चाहते हो? ते हो? मुझे प्रपोज क्यों नहीं करते? इम्पोर्टेंट हो? रुक, सुन, अपनी पिया के बारे में तो भूल ही गए? ओह, मैं एक काम करता हूँ, उससे टच में कॉल करता हूँ, उसका घर का नंबर है मेरे पास। जल्दी कर। हेलो, हाँ पिया, व्हाट? ओके, उसकी शादी है कल कैंटोक में। कैंटोक? यहाँ से तो बहुत लंबा पड़ेगा यार। आई नो, यूटर्न मारना होगा। एक काम करते हैं, यूटर्न लेते हैं, चल यूटर्न लेते हैं। चल यार, ये वायरस तो हार्ट अटैक आने वाला है, उसकी दोनों बेटियों की शादी में बैठ हो जाने हम आ जाते हैं। अच्छा सुन, रुक, मैं पिया को संभालता हूँ, तू प्राइस टैग को उखाड़। रुक, मैं प्रैक्टिक ऐसा आप लूंगा जो रूम से बाहर निकलता है। और सुन, तब तक तू पिया को 5 मिनट लेके नीचे पहुंच। आता हूँ। रांचू मिल गया पिया। ये तो साथ ही है। यस सर। लाओ फटाफट दो। कितना टाइम लगाते? सॉरी सर। ठीक है, जाओ। हाउसकीपिंग सर। लाविन। अमोरे। आई एम माय शिवानी मिस्टर। क्विक। पिया रांचू मिल गया। अब भी उस गधे से शादी करोगी? You're mad, Farhan. Don't fool yourself, Pia. तुम अब भी रांचू से प्यार करती हो और उसकी याद में ये ढोकले खा रही हो। Amore, 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 amore.
अमोरे अमोरे। अरे कुत्ते की दुम है वो, 12 साल नली मिटा के तभी टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। Shut up Farhan, Suhas is a changed man. वो ब्रांड्स और प्राइसेस की बात नहीं करता है। मेरी 1.5 लाख की शेरवानी। तुम लोग चटनी क्यों खाते हो यार? सुनो सर, क्या करोगे अब? सर हमारी लॉन्ड्री में रोज कितने सवाई आती है सर? 2 में से 1 मिनट सर। Get it sir. It's too late now Farhan. पिया जल्दी चलो, लेट हो रहे हैं। वैसे भी कितने सारे लोग हैं, सब हंसेंगे। पिया लोग हंसेंगे तो तुम सुसाइड कर लोगी। लोग 2 दिन बात करेंगे फिर सब भूल जाएंगे। अगर तुमने शादी कर ली तुम जिंदगी भर ये बात याद रखोगी। तुम याद रखोगी कि गाड़ी गेट में थी लेकिन फिर भी तुमने इस गधे से शादी कर ली। एक माइनर सी प्रॉब्लम हुई। हमें ये नहीं पता कि रेंचो की शादी हुई है कि नहीं। What? जी नहीं हुई होगी, नहीं हुई होगी। जेल? नहीं नहीं हुई होगी। और अगर हो गई होगी तो? अगर हो गई होगी तो तू वापस रोक कर देंगे। Fuck! ये डिक्की से किसका आवाज आ रहा है? अरे यार वो शत्रु को लोड किया है। वो भी आया हम लोग के साथ। छोड़ यार, इग्नोर मार, इग्नोर मार। क्या करते हो ना तुम लोग? चल चल चल। क्या चल? रंचो अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। हेलो सुन, एक लिफाफे में 20,000 रुपये और एक सामान भेज रहा हूँ रैंचो खत्म करने के लिए। किसी भी हालत में वो सामान रैंचो के कमरे में पहुंच जाना चाहिए। ये कॉलेज उसकी आज आखिरी रात देगी। हेलो वीरू सहस्त्रबुद्धे, जाके देखो D26 में तुम्हारे स्टूडेंट्स क्या तमाशा कर रहे हैं। वो कौन हो तुम? हेलो हेलो रंचो, तू तो गया। दिया आधे घंटे में नीचे मिलना, मैं आ रहा हूँ। कौन है? आ रहा हूँ यार। अबे कमीनो, 2:30 बज रही है, नमक क्यों खा रहे हो? अबे नमक कैसे हो सकती है यार, नमक टूथपेस्ट होता है, इसमें कैसे आएगा? अबे ये तो ड्रग्स है। ड्रग्स? तेरे पास कैसे आई बे? मैंने कुछ नहीं, मुझे तो वहां मिली गई नहीं। कहां? वो गली के बगल में। ऐसे? अबे सुन, देख देख देख, मैं आपको पढ़ा था, गेट में नौकरी
मैं गेट खोलने गया, मैंने पूछा भी कौन है, किसने कुछ नहीं कहा। मैं गेट खोलने गया, मैंने गेट खोला, कोई नहीं था। मैं फिर वापस आया था, मेरे पाँव इस पे पड़ी, मैंने उठाया, मैंने स्मेल किया, मुझे बहुत गंदी गंदी है, इसमें कुछ पूछा, मुझे नहीं पता है, मैंने कुछ नहीं किया। सच सच बोल रहे हैं ना, कसम से, कसम से, मैंने कुछ किया, मैंने कुछ किया यार, मैंने कुछ किया। अब इसका क्या, अभी अभी इसको फेंक, इसको पकड़े जाएंगे, कहीं से सुनेगा। क्या वो कुछ नहीं, क्या क्या वो आप इतना गुस्सा में क्यों हैं पापा? अरे वो थी, छोड़ छोड़ छोड़, कुछ बोलिए, कुछ नहीं। बाबा को मुझे से दिखाऊंगी सब सब डांट दूंगी लोगों को, शोभा नहीं देती। रास्कल रास्कल चल, बहुत बोलता है बुड्ढा साला, तुम कहाँ जा रही है, तुम कहाँ जा रही है, बचाओ, somebody help। अभी बूटे, अभी अभी सब कमजोर है, कुछ सोच, रैंजो रैंजो हम लोग लड़कियों को नहीं बचा पाएंगे, उठ जा, फरहान को भेजें वायरस रेस बुलाने। भाई को मारा ना, कहाँ जाएगी, मेरे भाई को मारा उसने। ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, तुम चलो चलो, हाँ लगा नहीं ना कहीं, कौन किसने बचाया? क्या उन्हें बचाया? क्या वो क्या?
चल रांचू चल। I'm not done with you yet. College के पहले दिन तुमने मेरे से एक सवाल पूछा था। Space में pencil क्यों नहीं use होता? Space में अगर pencil use होता, तो astronaut की आँख में आ सकती, नाक में आ सकती है, नहीं कहीं लग सकता है। You were wrong. You were always wrong. You can't be right all the time. But this time you were right. Yellow. ये पेन मैं तुम्हें देता हूँ। ओ जो नहीं सैम सो निकलास जाओ। एंड नाउ स्टूडेंट ऑफ ईयर रणछोड़दास श्यामलदास चांचल। ऑलमोस्ट इडियट। तो क्या किसी और से प्यार करते हो? अब ये किस लिए था? पहले नहीं बोल सकते थे? सॉरी। अबे साले रंचो। ए परान, तेरे हाय की तो ऐसी की तैसी। अरे मेरी बात तो सुन। अरे तू मेरी बात सुन। नहीं तू मेरी बात सुन। अरे और मारो उसको। साले अरे 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 Big fan, idiots. Hey, Chatur. Ranchor das, Shamal das, Chachar. Namaste, Master Ji. आपका पहुंच गया है। गांव के प्राइमरी टीचर बन गया है सर। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। हम दोनों ने एक साथ ट्रेन पकड़ी थी ना, लेकिन तेरी ट्रेन तो रिवर्स ही चली गई। इंजीनियर से सीधा प्राइमरी टीचर। तेरी सैलरी कितनी है चांचर? बोल ना। 5,000। इट्स जस्ट लाइक $100। मेरे बेटे की पॉकेट मनी तेरी सैलरी से ज्यादा है। बकवास बंद करना यार। बकवास तो ये करता था, एजुकेशन सिस्टम को बदलने चला था, दुनिया को बदलने चला था, अब यहाँ बच्चों के डायपर बदलता है। उसके दांत टूटता है। याद आया, एक दिन मैंने कहा था एक दिन मैं रसूंगा और तुम रोगे। एक्सेप्ट कर कि तू हारा और मैं जीता। डिक्लेरेशन ऑफ डिफीट यार, अनबिलीवेबल यार। पागल है क्या चतुर? तू तो वायरस की पेन है, तेरे पास कैसे आई? तूने चुराया?
लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। This is for winners, not for losers. कोई बात नहीं, कभी कोई स्कूल में तकलीफ हो, डोनेशन वोनेशन चाहिए, you call my assistant. Got that? A for apple, B for ball. अबे तो बिल्कुल नहीं बदलाया। अरे इग्नोर कर उसे, अरे इग्नोर कर, छोड़ यार उसको, वो कुछ भी बोलता है। अरे उसको छोड़ो। गुड न्यूज़ ये है कि तुम्हारा नाम रणछोड़दास छाछड़ नहीं है। इमेजिन शादी के बाद मेरा नाम पिया छाछड़। यक्स, वैसे मेरा असली नाम क्या है? वांगडू। वांगडू? क्या? वांगडू? मतलब तू साइंटिस्ट है? यानी कि तेरे नाम पे 400 पेटेंट्स हैं। मैं शादी के बाद अपना सरनेम नहीं चेंज करूंगी। नहीं नहीं, मतलब तू चतुर का वांगडू है, यानी कि जापानीज तुझे ढूंढ रहे हैं। आई डोंट लाइक वांगडू। ए यार तू तुम्हें एक बात बता, तू साइंटिस्ट है या टीचर? साइंटिस्ट हूँ पर बच्चों को भी पढ़ा देता हूँ। मतलब तू द फुनसुक वांगडू है? हाँ बाबा हाँ। ए रुक रुक रुक, ए साइलेंसर, ओए चतुर वापस आ। रुक रुक रुक, वो रुक रुक, वो ऐसे नहीं रुकेगा, मैं उसे रोकता हूँ। मिस्टर वांगडू। हाँ हेलो मिस्टर चतुर। आई कैन बिलीव आपने फोन किया। हाँ मैं आपकी कंपनी के साथ डील साइन नहीं कर पाऊंगा। वो हाउ सर, व्हाई सर, क्या हुई सर? कैसे साइन करूँ, मेरी पेन तो तू ले गई। व्हाट पेन? I didn't get you. अरे वो पेन जो तेरे हाथ में है, वायरस की पेन। वायरस की पेन? मिस्टर वांगडू। हाँ बोल चतुर। एप्पल एप्पल बी को बोल के एप्पल लग गई। ए इसकी तो बलात्कार हो गई। You got me Rancho. I mean Mr. Wangroo, I hope our personal problems is deal mein kuch farak nahi karenge. Hey Chattor, ethe. Hey, I was just joking yaar, andar se mujhe malum tha, tu kabhi na kabhi life mein kuch kar dikhayega yaar. Hey, bola. No, I promise, Shapat, Rancho 100, Chattor 0, you win, I lose. You don't believe me? Japana, to secret ho, sofa kabul karo. It's free advice, Mr. Wangroo. Bhag lo. Hey Rancho, ruk yaar. Baba Ranchhodda se sahi kehte the. Beta, kabil ban kabil. Kamyabi sali jhak maar ke piche aayegi. Out of control, ho toko karke goal. Ho toko karke goal, seete baja ke bol. Life ho out of control, ho toko karke goal. Ho toko karke goal, seete baja ke bol. मुर्गी का जाने अंडे का क्या होगा, अरे लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, कोई ना जाने अपना फ्यूचर क्या होगा, होंठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑल इज़ वेल। बात बात पे घबराए, दिल पे रख के हाथ उसे तू फुसला ले, दिल इडियट है प्यार से उसको समझा ले, होंठ घुमाओ सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑल इज़ वेल।
लिया दारू गम तो फिर भी मिटा नहीं, अगर बत्तियां राख हो गई गौर तो फिर भी दिखा नहीं। बकरा क्या जाने उस